Good morning students, welcome back to RPS online classes. Students, आज हम लोग exercise 7C question number 3 पे discuss करेंगे. Question है in the figure L parallel M and transversal T cuts them if angle 1 equal to angle 2 equal to 2:3. Find the measure each of the angle. तो ये जैसा कि figure से आपको कम दिख रहा है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास given क्या है. तो हमारे पास given है angle 1 equal to angle 2 equal to 2:3. हमारे पास ये given है. तो now angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree ऐसा हम लिख सकते हैं. किससे? linear pair से. linear pair. ओके तो यानी हम लिख सकते हैं 2x plus 3x ये x2 में है यानी x plus 3 यानी 5x इक्वल टू x plus 3 x इक्वल टू x plus 3 by 5 यानी 36 डिग्री. ठीक है, क्लियर है. x का वैल्यू हमारे पास आ गया. अब कह रहा है एंगल 1 इक्वल टू 2x. तो एंगल 1 इक्वल टू 2 इंटू x का वैल्यू 36 यानी 72. और फिर कह रहा है एंगल 2 इक्वल टू 3x. अब यहां कह रहा है एंगल 2 इक्वल टू 3x यानी एंगल 2 इक्वल टू 108. ओके अब स्टूडेंट्स कह रहा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. अब एंगल 1 का वैल्यू निकल गया कितना 72. एंगल 2 का वैल्यू निकल गया कितना 108. अब क्या कह रहा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कैसे? VOA यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो एंगल 1 अगर 72 डिग्री है तो एंगल 3 इक्वल टू 72 डिग्री. क्लियर है. ऑल्सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. ऑल्सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. तो एंगल 2 का वैल्यू कितना है 108 डिग्री. इसलिए एंगल 4 का वैल्यू कितना होगा 108 डिग्री. क्लियर है. ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी आपका VOA यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल से ही आएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स. जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का आपको थ्योरम पढ़ाया जा चुका है. अब क्या कह रहा है इसको हम माइनस करेंगे. अब कह रहा है स्टूडेंट्स लाइन L parallel line M and line T is a transversal. Okay. तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 72 डिग्री. किससे? एंगल 5 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है. कैसे? यानी कोरस्पोंडिंग एंगल ठीक है. अब कह रहा है स्टूडेंट्स एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2. एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 यानी 120. एंगल 2 का वैल्यू कितना आया था 120. ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल से है. फिर कह रहा है एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3. एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3. एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3 ये भी 72 डिग्री यानी ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल एग्जाम से आ रहा है. और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4 यानी
एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4 यानी कितना 180 डिग्री। ओके ये भी कॉरस्पोंडिंग एंगल है जो चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स तो इसी तरह क्वेश्चंस को समझ पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब फिर से हम एक बार आप लोगों को रिकॉल कर रहे हैं कि जब तक आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉरस्पोंडिंग एंगल जो भी थ्योरम आपको पढ़ाया गया है ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है उस पर जब तक आप अच्छी तरह से फोकस नहीं करेंगे ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आना है। इसलिए प्रैक्टिस करिए और जहां प्रॉब्लम हो रहा है वो उसका सोल्यूशन हम कंपाइल करके देते चले जाएंगे। ओके थैंक यू।